आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भारत में बेसिस दे सकता है। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझते हैं कि ये डिस्कशन शुरू क्यों हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो कांग्रेशनल कमिटीज होती हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर रिस्पॉन्सिबल लोगों को टेस्टिफाई करते हैं और कुछ इसी तरीके की एक एक्टिविटी के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को टेस्टिफाई किया जा रहा था। इसी दौरान रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मार्क एडवर्ड ग्रीन, जो खुद यूएस आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर हैं और इस समय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में टेनेसी के 7 डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को टेस्टिफाई करते हुए पूछा था कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेजिंग के लिए बात की है। उनका क्वेश्चन डायरेक्टेड क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज को लेकर था। आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये स्टेजिंग क्या है और साथ ही ये ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज क्या है। देखिए, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मैप में देखेंगे तो यूएस एग्जैक्टली यहाँ पर है, और अगर उनको कोई और मिशन मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में या आसपास के दूसरे इलाकों में करना है तो इस तरीके के मिशंस डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आसपास के बहुत सारे इलाकों में प्रेजेंस है, लेकिन अगर यूएस डिसाइड करता है कि वो अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पर नहीं उतारेंगे और एरियल रूट से ही अटैक करेंगे तो इस तरीके के मिशंस को ओवर द होराइजन मिशन कहा जाता है। इस प्रकार के मिशंस में फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, बॉम्बर्स या क्रूज मिसाइल्स का प्रयोग किया जाता है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के साथ में प्रिसिशन स्ट्राइक करके हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन आमतौर पर ये जो ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज होती हैं, इनकी रेंज भी लिमिटेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अफगानिस्तान में स्ट्राइक करनी है और इलाके में जो यूएस बेसिस हैं वो कतर में या यूएई में है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे एसेट्स जैसे कि ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, बिना एरियल रिफ्यूलिंग के इस तरीके के मिशंस नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जहां पर मिशन होना है उसके पास में स्टेजिंग बेसिस हो जहां पर इस तरीके के एसेट्स यूज किए जा सके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को अफगानिस्तान को लेकर टेस्टिफाई किया जा रहा था, लेकिन इस टेस्टिफिकेशन के दौरान जो उनका आंसर था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि वी आर डीपली एंगेज विद इंडिया अक्रॉस द बोर्ड। इस चीज को मीडिया की तरफ से कंफर्मेशन के तौर पर देखा जा रहा है और इसी चीज को लेकर कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्सपीडिशनरी बेसिस दे सकता है। देखिए, आपको ये भी समझना जरूरी है कि एक्सपीडिशनरी बेसिस किस प्रकार के बेसिस होते हैं। ये परमानेंट मिलिट्री स्टेशन नहीं होते हैं, ये मेकशिफ्ट बेसिस होते हैं, और जब भी कोई एक मिशन किया जाना होता है तो उसके ड्यूरेशन के लिए इस तरीके के ज्वाइंट बेसिस बनाए जाते हैं, और एक बार जब वो मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर जो फोर्सेस डिप्लॉयड होती हैं उनको रीडिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन एंटनी ब्लिंकन के स्टेटमेंट के हिसाब से ये चीजें केवल बेसिस तक सीमित नहीं है, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अक्रॉस द बोर्ड अफगानिस्तान को लेकर कॉपरेट कर रहे हैं। और रही बात बेसिस देने को लेकर डिसीजन को लेकर, तो ये भारत के लिए इजी डिसीजन नहीं है। इसके तीन कारण हैं। पहला, भारत में ज्यादातर पॉपुलेशन इन सभी मामलों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और सीधे सीधे इस तरीके के डिसीजंस को सॉवरेनिटी के साथ में जोड़कर देख लिया जाता है, और इसी वजह से पॉलिटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इजी डिसीजन नहीं है। भारत का अफगानिस्तान के साथ में कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है और किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के ऊपर से ट्रांजिट करना पड़ेगा। ऐसे में अगर यूएस को पाकिस्तान में बेस मिल जाते हैं तो उनके लिए वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। और तीसरा, ऐसा कोई डिसीजन भारत और रशिया की जो इक्वेशन है उसको खराब कर सकता है। रशिया ऑलरेडी क्वाड को लेकर काफी ज्यादा अपसेट है, और सेंट्रल एशिया में अगर भारत को ऑपरेट करना है तो भारत को रशिया को ऑनबोर्ड रखना पड़ेगा। वैसे अगर आप इस पूरे सर्कमस्टेंसेस को डिटेल में एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हर एक देश जो अफगानिस्तान के करीब है या उनके स्टेक्स हैं, उन सभी के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। लेकिन एक इंटरेस्ट सभी देशों का कॉमन है, वो है अलकायदा और आइसिस को दोबारा वहां पर रूट्स पकड़ने नहीं देना। और ऐसी स्थिति में अगर अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स या आइसिस के ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में दोबारा पनपते हैं तो ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज के साथ में उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और इस चीज को देखते हुए भारत, रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने अपने लेवल पर और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेशंस कर सकते हैं। वैसे भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक फॉर्मल सा अलायंस बनाने की कोशिश पास में की है, इसको कहा जाता है C5+1। इसी साल 15 और 16 जुलाई को ताशकंद में इन लोगों की एक मीटिंग हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान और रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान की डेलीगेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डेलीगेशन से मिली थी और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान में टेररिस्ट सेंचुरीज को ना पनपने देना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। लेकिन सेंट्रल एशिया यूजुअली रशिया का बैकयार्ड है और अगर सेंट्रल एशिया में कुछ भी किया जाना है तो वहां पर रशियन कंसेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थियोरिटिकली इंडिया रशिया और यूएस के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है और ये ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आ सकती हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको लिमोआ कहा जाता है और इस अग्रीमेंट के तहत दोनों देश भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक दूसरे के बेसिस को यूज कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो भारत का बेस है ताजिकिस्तान में उसका प्रयोग टेररिस्ट सेंचुरीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाए और इस तरीके के मिशन करने के लिए रशिया को लूप में रखा जाए तो ये चीज पॉसिबल है। और रही बात जो लोग कह रहे हैं कि राजस्थान या फिर पंजाब में भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बेस दे सकता है तो उनको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा डिसीजन लेने से पहले पॉलिटिकल साइड से सोचना पड़ेगा और पॉलिटिकली इंडियन जनता इतनी ज्यादा मच्योर नहीं है कि वो इस तरीके के डिसीजन के साथ में खड़ी रहे। वहीं ऑपरेशनली पंजाब और राजस्थान से अफगानिस्तान में मिशन करना ऑपरेशनली एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, स्पेशली तब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को लूप में नहीं रखना चाहता है अपने मिशन को लेकर। अफगानिस्तान में किए जाने वाले किसी भी मिशन को लेकर अगर पाकिस्तान को लूप में रखा जाता है तो उसमें काफी हाई चांसेस हैं कि ये इंटेलिजेंस जो अफगानिस्तान में टारगेट हैं उन तक पहुंच जाए और मिशन के कंप्लीट होने से पहले ही ये टारगेट खुद को बचाते हुए उस जगह से निकल जाए या सेफ हाउस में मूव कर जाए। ऐसी स्थिति में अगर भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया ऑन बोर्ड आकर ताजिकिस्तान से ऑपरेट करते हैं तो ये ओवर द होराइजन मिशंस काफी आसानी से किए जा सकेंगे और इस तरीके के मिशन कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल भी होंगे। वैसे अगर आप एंटनी ब्लिंकन के स्टेटमेंट के ऊपर वापस से जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो पूरे स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, यानी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर मिशन एग्जीक्यूशन हर चीज में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोलैबोरेट करेंगे और इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एसेट्स जैसे कि MQ-9 रीपर भारत लीज पर लेकर आयानी से ऑपरेट कर सकता है और ये मिशन करते समय भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया को ऑनबोर्ड रख सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।